रांची में यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात से राजधानी में सनसनी फैल गई। बता दें कि छात्रा बस स्टॉपेज पर अपने एक मित्र के साथ बस का इंतजार कर रही थी। उसी समय 6 की संख्या में आए अपराधियों ने उसे हथियार के बल पर अगवा कर लिया और पास के गांव में ले जाकर दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद उन 6 आरोपियों ने अपने 6 अन्य साथियों को भी मौके पर बुलाया और उन्होंने भी छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। नहीं, जहाँ पे युवक और युवती खड़े थे रिंग रोड के पास से ही, उसके पास से ही उनके द्वारा उनको संग्रामपुर गांव में ले जाया गया। तो इसमें किसी चेक पोस्ट या किसी SST की तो बात नहीं आती है। उनको रिंग रोड से उतारकर तुरंत ही अपने ही गांव में बगल एक ईंट भट्टी के पास ले जाया गया। उस समय शाम का समय था और अंधेरा था। वहाँ पर जो भी ये PO है रिंग रोड के पास, ये करीब 5:30 से 6 बजे के बाद, करीब 25 वर्ष। राजधानी रांची में छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात से पूरी राजधानी स्तब्ध है। गैंगरेप के बाद पीड़ित छात्रा किसी तरह अपने दोस्त के पास पहुंची और उसके साथ काके थाना पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी। 12 लोगों के द्वारा एक छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात सुनते ही पुलिस के होश उड़ गए। आनंद फानंद काके थाना प्रभारी विनय सिंह ने अपने वरीय पुलिस अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। रांची के सीनियर SP ने आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। छात्रा के द्वारा बताए गए आरोपियों के हुलिये की जानकारी थाना क्षेत्र में रहने वाले मुखबिरों को दी गई, जिससे उसकी पहचान हो गई। उसके बाद विशेष टीम ने सबसे पहले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, फिर उनसे पूछताछ के आधार पर फरार चल रहे 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। वहाँ पे कुछ संग्रामपुर गांव के ही 2 युवक आए और उनके द्वारा लड़की और लड़के के साथ बदतमीजी की गई। उसके बाद उन दोनों के द्वारा युवती को ज़बरदस्ती खींचकर दूसरी जगह एक पास में संग्रामपुर गांव में ही ले जाया गया और उसके बाद उनके द्वारा फ़ोन करके बाकी अपने ही गांव के युवकों को बुलाया गया। इसके बाद उन सभी 12 युवकों द्वारा उस लड़की के साथ, उस युवती के साथ गैंगरेप किया गया। इस घटना की जानकारी कल हमें मिली जब युवती ने कांके थाना पर आकर इस केस को रजिस्टर करवाया। इसके बाद कल रात से हमने छापामारी शुरू की और आज सुबह तक संग्रामपुर गांव के ही 12 युवकों को अरेस्ट किया गया है। इस छापेमारी के दौरान उनके पास से 2 अवैध हथियार भी बरामद हुआ है, एक 7.62 mm का देसी पिस्टल और एक 0.315 का एक देसी कट्टा और साथ में कुछ लाइव एम्यूनिशंस बरामद हुए हैं। इसमें से सभी युवकों के द्वारा अपने क्राइम को कन्फेस कर लिया गया है। साथ ही इस कांड में यूज़ किए गए एक सेंट्रो कार और एक पल्सर मोटरसाइकिल को भी यूज़ किया गया है। साथ ही उस युवती का फ़ोन ले जाया गया था इस कांड के दौरान, तो उस युवती का फ़ोन को भी इन अभियुक्तों के पास से रिकवर किया गया। रघुवर के राज में जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बुलंद किया जाता है, वहीं एक बेटी ने अपनी अस्मत गंवा दी। 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन लोगों ने झारखंड की बेटी की इज्जत से खेला। सवाल ये नहीं कि घटना कैसे घटी, सवाल ये है कि घटना क्यों घटी। क्या इन अपराधियों को प्रशासन का तनिक भी खौफ नहीं? क्या इन बदमाशों को पुलिस और व्यवस्था का डर नहीं, जो बेखौफ सरे शाम एक लड़की को अपनी हवस का शिकार बना लिया? सबरंग समाचार के लिए रांची से रिजवान की रिपोर्ट।